हाय गाइस, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का बेस्ट प्रेडिक्शन देने वाला हूं, बेस्ट एनालिसिस करने वाला हूं कल के लिए, कल यानी 24th of November के लिए। कल स्पेशल दिन है क्योंकि कल हमारा बैंक निफ्टी मेंटरशिप बैच का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसी के साथ दो हम स्टॉक जानेंगे और इसी के साथ जैकपॉट ऑप्शंस ट्रेड भी बताने वाला हूं जो कि कल शानदार भागने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जरूर देखिएगा। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रभात कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहां पे हम बैंक निफ्टी निफ्टी के प्रेडिक्शन वीडियो अपलोड करते हैं वन डे बिफोर, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और भी हम स्विंग, जैसे अब हम स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोज भी लाते हैं, तो आप लोग प्लीज चेकआउट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक करो और यार कमेंट करो और शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। हमारे पास 39% जनता ऐसी जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज मैं YouTube पे लाइव आया था, बहुत बढ़िया हमने सीखा, बहुत बढ़िया हमने काम किया। ठीक है, ऑलराइट, सो चलिए जानते हैं। तो कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लूं, अगर बात करूं मैं कल के प्रेडिक्शन की। देखो, मैंने बताया था कौन सी वाली वीडियो में, ये वाली वीडियो में, कि देखो भाई बैंक निफ्टी को बाय करके चलना है 43,570 के ऊपर। 570 के बाद केवल 43,650 तक गया, ज्यादा आज मोमेंटम रहा नहीं। मैंने YouTube पे 43,500 कॉल ऑप्शन दिया था जिसने आपको केवल 50 पॉइंट दिए हैं, मतलब मार्केट स्टैग्नेशन रहा, मतलब उतना बड़ा रेंज में नहीं रहा। ठीक है, अब समझते हैं कल का। तो कल के लिए कुछ चीजें मैं बता दूं, यूएस मार्केट फ्लैट है और देखिए ऑप्शन चेन का उतना मुझे कुछ मतलब डेटा नहीं साफ क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को इग्नोर करते हैं, अब समझते हैं बिल्कुल चार्ट्स को डायरेक्टली। सो देखो, बैंक निफ्टी खड़ा है बिल्कुल कहां पे, मेक और ब्रेक लेवल पे। ठीक है, अच्छा, ये डाउन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है नहीं? तो डाउन ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है यहां पे देख पा रहे हैं, जब भी आता है नीचे जाता है, आया है नीचे गया है, अब आया है दो बार यहां पे, तीन बार रेजिस्टेंस ले चुका है। पिछली बार दो बार रेजिस्टेंस लेके नीचे धड़ाम से गिरा था। ठीक है, अच्छा, अब सुनिए, अब यही मेरे पूरा मेन खेल है। ठीक है, इसी में पूरा मेन खेल है, अब सुनो कैसे। कल 50-50 मार्केट है, ठीक है, तो कल अगर सेलिंग आएगी तो इस बॉक्स पैटर्न के नीचे आएगी, इस बॉक्स पैटर्न के नीचे, यानी 43,530 के नीचे फ्रेश सेलिंग आएगी। ठीक है, टारगेट होगा 43,400, सेकंड टारगेट 43,350, लास्ट टारगेट 43,250, ये तीन टारगेट होगा, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ पे 43,700 का पुट ऑप्शन देखिएगा, नवंबर वाली एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, ये 250 एंड 260 के ऊपर बहुत तेज रॉकेट बनेगा, भागेगा, 240 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। एडवाइस नहीं दे रहा हूँ खरीदने बेचने की, बस आपको अपना व्यू रख रहा हूँ। टारगेट होगा 290, 330 एंड 360। ऑल राइट, ये चीज़ है। अच्छा, अब ये नीचे क्यों आएगा, अब इसका कुछ डेटा भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये डेटा आई एम डेफिनेटली श्योर कोई आपको नहीं दिखाएगा जितना मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि हमारा एक कंसोलिडेशन पैटर्न में अगर ये तोड़ेगा तो नीचे आएगा। अब देखो, सेम ऐसी पैटर्न बना था, देखो ये पिछली बार 20 से 22 तारीख के बीच में रेंज बना, एक बॉक्स पैटर्न बनाया, तोड़ा, बूम, गिर गया। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है होने की, आप समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न। इस प्रकार से हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, सेलिंग क्लियर। अच्छा, आप समझते हैं बाइंग कैसे होगा। अच्छा, सेलिंग और ज्यादा हावी पता कब होगी, मैं बता दूं, सेलिंग और ज्यादा हावी होगी जब ये हमारा स्ट्रेट सपोर्ट तोड़ देगा। ये सपोर्ट कितना, स्ट्रेट 43,450, ये सपोर्ट ध्यान है, ये 22 तारीख को टूटा था तो कितना क्रैक आया, तो अगर और दबा के सेलिंग कब आएगा, जब 43,450 के जब नीचे सस्टेन करेगा तो। ठीक है, अच्छा, आप समझते हैं बाइंग कैसे हो सकती है। देखो, मार्केट कल के लिए बहुत आसान है, बस आपको वेट करना है प्रॉपर सेटअप का, राइट। आप सुनिए, बाइंग कैसे आएगी, देखो बाइंग आएगी, अब ये रेंज बन चुका है ना, ये रेंज वाली बहुत बढ़िया बात है, अब इस रेंज का हायर एंड टूटेगा तो बाइंग करके चलना है, यानी 43,650 के ऊपर हमको बाय अब करके चलना है। ठीक है, टारगेट होगा, अब देखो टारगेट हमारे पास, लास्ट में बता दूं, देखो कहां तक हम एक्चुअल में होल्ड करेंगे, हम यहां तक मैं होल्ड करने वाला हूं, ये कितना है 850। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट होगा 43,550, सेकंड टारगेट 43,850 और 900 के आसपास आप पूरा निकलने का प्रयास कर लीजिएगा, पूरा फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे ये मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा, राइट। गैप अप एंड गैप डाउन को अवॉइड करके चलना है। अब एक मैं बता दूं, नो ट्रेडिंग जोन और स्कैल्पिंग जोन। देखो, नो ट्रेडिंग जोन है बता कौन सा, ये इसके बीच में, यानी 43,650 और 43,520। ठीक है, लगभग 120 से 130 पॉइंट का रेंज है, इसमें हमको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि पता क्या होगा, नए लोग नहीं कर पाएंगे, प्रीमियम आपको लॉस हो जाएगा, तो इसको बीच में हमको अवॉइड करना है, जब ये ऊपर तोड़े तो
आप काम करिएगा तो नीचे थोड़े तो काम करिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, निफ्टी जान लेते हैं। निफ्टी ऐसा लाइक करिएगा यार वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा। देख लेते हैं अब निफ्टी का क्या है। निफ्टी पे रेंज में रहा, ठीक है। निफ्टी अब बॉक्स पैटर्न के बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, ठीक है। अब सुनिए, बहुत आसान है निफ्टी का भी सिनेरियो। हमको कल देखो पेशेंसली वेट करना है सेटअप का। निफ्टी में बाइंग होगा 19,830 के ऊपर, ठीक है, 19,830 के ऊपर। फर्स्ट हमारा टारगेट पता है क्या होगा, ये रेजिस्टेंस, ये वाला देखो टॉप दिख रहा है 19,880। आपको साफ साफ पता है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बनते हैं वही हमारे टारगेट बन जाते हैं मोस्टली। सेकंड टारगेट अगर ये 880 का लेवल टूटा तो ना 19,930 का हमारा टारगेट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब सेलिंग कैसे होगा। सेलिंग ऑफ कोर्स, अब हर बार देखो पिछली बार सेलिंग कैसे हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, चीजों को समझो। टॉप पे था, रेंज बनाया, बॉक्स पैटर्न बनाया, तोड़ा, बूम। टॉप पिछली बार टॉप पे था, रेंज पैटर्न बनाया, बॉक्स पैटर्न बनाया, तोड़ दिया नीचे। सेम डिटो, आप लोग, आपको दिख रहा नहीं है, बार बार देखो बताओ तो जरा, सेम डिटो वही होने वाला है, वही फॉर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ये गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये तोड़ेगा वी कैन गो सेल, यानी 19,790 के नीचे फ्रेश सेल करके चलेंगे, 19,740, 19,700 और 19,680 का होगा, हाँ 670 का ही लास्ट टारगेट, ये बॉक्स पैटर्न का सपोर्ट 670, ये हमारा लास्ट टारगेट होगा, क्लियर है। नो ट्रेडिंग जोन होगा 19,830 और 19,790, 40 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन होगा इसके बीच में, नो ट्रेडिंग जोन NTZ। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। बट उससे पहले गाइज मैं बता दूं, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न चाहिए, कैंडलस्टिक्स पैटर्न चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे PTS ऐप को ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 98,000 सब्सक्राइबर हैं, एंड्रॉइड iOS दोनों के लिए। अब आज पता है मैंने कौन सा मैंने चार्ट शेयर किया था, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, मैंने पुट ऑप्शन का चार्ट शेयर कर दिया 43,800 के पुट ऑप्शन का, 333 के पास था। यू वुड नॉट बिलीव इट, मैंने क्या लिखा, बैंक 43,800 पुट ऑप्शन अच्छे सपोर्ट पे है, अगर सस्टेन करेगा तो और बढ़ने के चांसेस हैं, राइट। इसी प्रकार से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट के साथ ट्रेड शेयर करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन हर एक टिप्स नहीं है ये, सीखने का ध्यान देना, इससे आप सीख सकते हैं कॉपी, मतलब चीजों को नोट डाउन करके। मानेंगे नहीं आप लोग, 330 से पता है कहां का ही लगाया, यू वोंट बिलीव इट, 365 का ही लगाया। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप आओ यहां पे और देखो, सीखो, जो व्यक्ति सीखना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे सीख सकता है। ये मैंने ट्रेड हमारे PTS ऐप पे भी दिया था, सॉरी PTS ऐप पे तो दिया ही दिया था, और मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, तो कल भी शानदार जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड दूंगा मैं, ठीक है। PTS ऐप को डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, 47,500 लगभग सब्सक्राइबर है, राइट ना, क्लियर है। हाँ जी, चलो स्टॉक जान लेते हैं। टाइटन एंड HAL दो स्टॉक हैं। अच्छा, मैं किसी बता दूं, अगर आपको प्रीमियम ट्रेड चाहिए लर्निंग पर्पस के लिए, अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग राइस ब्लू, दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, फंड ऐड करो, ट्रेड स्टार्ट करो, स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, देन वी विल ऐड यू, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो HAL भागने वाला है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, क्योंकि HAL का बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो HAL का या तो बाय करके चलेंगे एक 2165 के ऊपर, या तो बाय ऑन डिप अराउंड 2120 के आसपास। टाइटन बहुत बार दे रहा हूं, अच्छा जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डाउन आया, कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑन डिप है। टाइटन या तो फ्रेश बाय अबव 34.45 या तो बाय ऑन डिप अराउंड 3400 के अराउंड, सो इजी। चलिए सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड जान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया ना कि यदि बैंक निफ्टी हमारा 43,650 के लेवल तोड़ेगा तो बाय करके चलना है, ठीक है। वहां पे 43,700 का कॉल ऑप्शन देखिएगा, बहुत तेज भागेगा, नवंबर वाली रहेगी एक्सपायरी, ठीक है। ये 250 एंड 260 65 के ऊपर बहुत तेज ऊपर भागेगा, 240 का लगा लेना स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 290, 330 एंड 360। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आप लोग प्लीज हमको सपोर्ट करिए, ठीक है। आज 1,000 लोग हमको लाइव देख रहे थे यूट्यूब पे, एंड 1,000 लोग गवाह हैं कि आज हमने क्या किया यूट्यूब लाइव मार्केट में, सबको पता है यार। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे भाई, मेरे वीडियो के प्रति अपना प्यार शो करिए, ताकि बाकी लोगों को पता लगे, जो लोग नहीं जानते हैं मुझे, जो लोग नहीं जानते हैं PTS को, ताकि बाकी लोगों को पता लगे कि हाँ यार यहाँ पे कितना सपोर्ट मिलता है। चलिए, थैंक यू एंड लव यू ऑल यार, बस सपोर्ट करते रहो, धन्यवाद, बाय बाय। और बस एक क्लास चीज जाते जाते, मेंटरशिप बैच का क्लास कल स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ, और यहाँ पे बहुत सारा आपको लर्निंग मिलने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।